सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हमारी गेम में आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के ऊपर। आज की ये वीडियो गाइस बहुत ही खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि यार हम लोग बात करने वाले हैं OB31 की अपडेट के ऊपर। ये वाली अपडेट गाइस यार 3 साल पहले ऐसी अपडेट आप लोगों को देखने को मिली थी, क्या चेंजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी इस अपडेट में। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस न्यू हमारे विंटरलैंड वाले इवेंट के ऊपर, क्योंकि यार अभी हमारा जो बुया डे इवेंट था वो तो खत्म होने वाला है। साथ ही साथ अपडेट के बाद जो आप लोगों को इवेंट देखने को मिलेगा विंटरलैंड इवेंट होने वाला है, और विंटरलैंड इवेंट में गाइस आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। और दोबारा से गाइस यार यहां पे क्रिमिनल बंडल्स की लीक निकल के आ चुकी है। ग्रीन क्रिमिनल तो पहले आप लोगों को देखने को मिल चुका है, अभी बचे 4 क्रिमिनल गाइस। तो 4 क्रिमिनल गाइस यार क्या आप लोगों को दोबारा से देखने को मिल सकते हैं, उसकी भी लीक निकल के आई है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहां पे बात करेंगे टॉप इवेंट के ऊपर, नेक्स्ट डायमंड रॉयल के ऊपर, OB31 की अपडेट के ऊपर, काफी कुछ कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, बिना लाइक किए यार वीडियो को देखी जा रहे हो, एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं। तो हाँ गाइस यार यहाँ पे आ चुके हैं इंट्रो के बाद वापस, और यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप लोगों को कौन सी अपडेट दी जाए, क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा है। तो चलो गाइस सबसे पहले जो मेरी फेवरेट अपडेट है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यार यहाँ पे गाइस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है विंटरलैंड वाला मैप, जो कि गाइस 3 साल के बाद आने वाला है। 3 साल के बाद ग्रीना वाले दे रहे हैं विंटरलैंड वाला मैप, और गाइस विंटरलैंड इवेंट काफी बड़ा इवेंट रहने वाला है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को काफी बड़ा कोलैब भी देखने को मिलेगा। कोलैब कौन सा होने वाला है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो हमारा मैप कैसा रहने वाला है गाइस वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, चेक कर सकते हो यार, पूरा का पूरा बर्फीला मैप होने वाला है। 3 साल पहले ऐसी अपडेट देखने को मिली थी हमें, जिसमें गाइस साथ ही साथ हमें एक बग भी देखने को मिला था, अगर आप लोगों को पता है ट्री वाला बग आया था उस टाइम। और इस टाइम इस बार आप लोगों को ट्री वाला बग नहीं मिलेगा, लेकिन यार ये जो अपडेट रहने वाली है इस अपडेट में आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग पूरा का पूरा मैप चेक कर सकते हो यार, मैप देख के यार पूरी यार सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी सर्दियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों को गाइस देखने को मिलेगा हमारा नया मैप। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा नया बर्फीला मैप कैसा लगा, मुझे तो भाई खतरनाक लगा। और साथ ही साथ आप लोगों को इवेंट वगैरह जो देखने को मिलेंगे विंटरलैंड वाले वो भी आप लोगों को मैं कवर कर दूंगा, सिर्फ अभी हमारे मैप की यहाँ पे लीक निकल के आई है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आगे गाइज यहाँ पे बात करते हैं हमारे क्रिमिनल बंडल के ऊपर। तो यहाँ पे गाइज जो क्रिमिनल बंडल आया था हमारा ग्रीन कलर का, वो क्यों वापस आया था, काफी बंदों को तो ये भी नहीं पता होगा क्यों वापस दिया था ग्रीना वालों ने। तो यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रीना वालों ने कोलैब किया था 4 डीजों के साथ, एक साथ कोलैब किया था, मतलब यार आलोक के साथ हमारा जो के करेक्टर है, इसी के साथ साथ 2 डीजे करेक्टर हमारी पिछली अपडेट पे देखने को मिले थे, 4 जो डीजे थे वो एक साथ कोलैब किया था। और इनकी पेमेंट पे करना काफी मुश्किल था, क्योंकि यार फेमस करेक्टर डाले गए हैं हमारी गेम के अंदर, डीजे आलोक, डीजे के, और साथ साथ और भी आप लोगों को 2 करेक्टर देखने को मिले हैं डीजे वाले, जिनके मुझे नाम नहीं आते। तो काफी बड़ा कोलैब था और इनकी पेमेंट भी काफी बनती थी, क्योंकि यार इनका एक मेरे ख्याल से सॉन्ग वगैरह आया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली अपडेट पे। तो तब पेमेंट देने के लिए सभी सर्वर में ग्रीना वालों ने ग्रीन क्रिमिनल दिया था, और जो बंदा गाइस यार टॉप अप नहीं करता था उस बंदे ने भी भाई 3,000 डायमंड लगाए थे ग्रीन क्रिमिनल के ऊपर। तो आप लोग सभी समझ सकते हो कि यार सारे सर्वर में से कितना माल जमा किया था ग्रीना वालों ने। तो गाइस वहां से माल जमा करके डीजे जो 4 डीजे बुलाए थे उनकी पेमेंट दी गई थी, तो ऐसा ही कुछ सीन हुआ था। अब भी गाइस अगर आप लोगों को दोबारा से कोई बड़ा कोलैब देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहां पे फिर से कोई क्रिमिनल देखने को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से अभी जो क्रिमिनल आने वाला है वो ब्लू क्रिमिनल या पर्पल क्रिमिनल होगा। तो यहाँ पे सारे क्रिमिनल की लीक निकल के आ चुकी है, वो भी यहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो डाटा माइनिंग की तरफ से लीक आती है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्रिमिनल गाइज वापस आने वाले हैं। एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि दोबारा से क्रिमिनल वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए यार, सारे के सारे क्रिमिनल तो आप लोगों को एक साथ नहीं मिलेंगे, आप लोगों को एक एक करके क्रिमिनल मिल सकता है। एंड आप लोग यार कमेंट करके बताना कि आप लोगों का सबसे फेवरेट क्रिमिनल बंडल कौन सा है। मेरा तो यार रेड क्रिमिनल है, तो क्योंकि यार सबका फेवरेट वही है, तो रेड क्रिमिनल गाइस आना चाहिए मेरे ख्याल से वापस। और आप लोग बताओ कि कौन सा क्रिमिनल वापस देखने को मिलना चाहिए गेम के अंदर, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो आगे गाइस यार यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इलाइट पास के ऊपर। तो नेक्स्ट इलाइट पास के अंदर आप लोगों को कौन सा फीमेल और मेल कैरेक्टर का बंडल मिलने वाला है, और प्री ऑर्डर करने पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसकी भी लीक निकल के आ चुकी है, तो उसका पोस्टर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों को प्री ऑर्डर करने पे मॉन्स्टर ट्रक की स्किन मिलेगी, और फीमेल और मेल
कैरेक्टर का बंडल आप लोग देख सकते हो, जोकर वाला आप लोगों को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से बेकार इलाइट पास रहने वाला है, जो नेक्स्ट इलाइट पास आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल ही बेकार इलाइट पास रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पोस्टर चेक कर लिया। एंड आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को नेक्स्ट इलाइट पास कैसा लगा। एंड आगे गाइस यार यहाँ पे बात करते हैं हैकर स्टोर के ऊपर। तो हैकर स्टोर आ चुका है बहुत ही जबरदस्त, जिसके अंदर आप लोगों को फीमेल कैरेक्टर का बंडल देखने को मिल रहा है हमारे बुया डे वाला, और साथ साथ इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ आइटम वगैरह देखने को मिल रही है। तो इसको गाइस यार हम लोग ओपन करते हैं, और हैकर स्टोर के अंदर आप लोगों को किस तरह से स्पिन करना पड़ता है वो आप लोगों को पता है। तो हम लोग सारे के सारे रिवॉर्ड क्लेम करेंगे, और क्लेम करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है। तो चलो गाइस यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे हमें फीमेल और मेल कैरेक्टर का बंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो बुया वाला हमारा बंडल है उसको सिलेक्ट करते हैं, और नेक्स्ट गाइस यार यहाँ पे एक और फीमेल कैरेक्टर का बंडल सिलेक्ट करते हैं और स्टोन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नेम चेंज कार्ड कस्टम रूम कार्ड सेलेक्ट करेंगे, और लूट बॉक की स्किन, और लास्ट में स्कार का बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। और यहाँ पे गाइस ये वाली जो 6 आइटम है इसके ऊपर हमें स्पिन करने पड़ेंगे। 9 डायमंड से हमारा स्पिन स्टार्ट होगा, और इसके ऊपर देखते हैं हमारे कितने डायमंड लगते हैं। 9 डायमंड वाला मैंने स्पिन स्टार्ट कर दिया है, और आगे भी गाइस अपडेट है, आप लोग जरा वेट करो। इसको हम लोग क्लेम कर लेते हैं, और आगे भी आप लोगों को बताते हैं हमारे नेक्स्ट डायमंड रॉयल के ऊपर और नेक्स्ट हमारे टोबियन के ऊपर। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से इसके ऊपर स्पिन करते हैं। 99 वाला स्पिन हम लोगों ने कर दिया, देखते हैं क्या मिलता है। तो लूट बॉक्स मिल चुका है, फिर से करते हैं 199 वाला। सो अभी देखते हैं गाइस, और अभी हमें स्टोन मिल चुके हैं, अभी 2 हमारे रिवॉर्ड बाकी हैं फीमेल कैरेक्टर के बंडल, तो इसको भी करते हैं स्पिन। और यहाँ पे गाइस आ चुका है फीमेल कैरेक्टर का, और लास्ट में हमारा बुया डे वाला फीमेल वाला बंडल, और इसको भी हम लोगों ने क्लेम कर लिया है। सो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कितने डायमंड में सारे के सारे रिवॉर्ड मिले। अभी चलते हैं वॉयलेट के अंदर, और वॉयलेट के अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, काफ़ी कमाल का है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलते हैं, ये हमें बॉक्स मिले थे, और यहाँ पे हमारा बंडल जो कि हमारा बुया डे वाला बंडल होने वाला है, और कोबरा आप लोगों को मतलब बना नज़र आ रहा है इसके ऊपर, फीमेल कैरेक्टर के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे, मतलब कोबरा बना नज़र आ रहा है येलो कलर का। सो काफ़ी अच्छा बंडल है। एंड आप लोग बताना कि आप लोगों ने ये वाला बंडल निकाला है कि नहीं निकाला। और बस आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टोबो इवेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट टोबो इवेंट कौन सा हो सकता है हमारा, तो यहाँ पे गाइस दूसरे सर्वर में आ चुकी है ग्लो वाल वाली स्किन बुया डे वाली, तो वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो यार। तो ये वाली ग्लो वाल की स्किन अभी तक आप लोगों को देखने को नहीं मिली हमारे सर्वर में, तो ये वाली ग्लो वाल की स्किन आप लोगों को टोबो इवेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। सो काफ़ी ज़बरदस्त है, टोबो इवेंट के अंदर नहीं आई तो गाइस आप लोगों को कोई और इवेंट के अंदर ये वाली बुया डे वाली ग्लो वाल की स्किन मिल सकती है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली ग्लो वाल की स्किन कैसी लगी। तो आगे गाइस यार यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे डायमंड रॉयल के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल है, तो इसका मेल कैरेक्टर का बंडल पहले आ चुका है, अभी उन्होंने फीमेल कैरेक्टर का दे दिया है। इसके ऊपर हम लोग स्पिन करते हैं, और स्पिन करके देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता। हमारे पास 8 डायमंड रॉयल वाउचर हैं, और स्पिन करता हूँ गाइस, और स्पिन करके देखते हैं। और इसके अंदर गाइस आप लोगों को बेकार आइटम नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये दूसरा सर्वर है, इससे आप लोगों को अगर टोकन भी मिल रहे हैं तो उस टोकन से भी आप लोग डायमंड रॉयल वाला बंडल एक्सचेंज कर सकते हो। ये काफ़ी कमाल का मतलब सीन है वहाँ पे। यहाँ पे हमें एक जैकेट मिल चुकी है, मतलब बंडल की अलग अलग आइटम भी मिल सकती है, पूरा का पूरा बंडल भी मिल सकता है, हेयर भी मिल चुके हैं। तो 8 हमारे पास थे, 8 के 8 स्पिन कर दिए हैं, और यहाँ पे उसके हेयर और जैकेट हमें मिल चुकी है, और टोकन भी मिले हैं। इन टोकन से भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं हमारा ये वाला बंडल। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आज की अपडेट कैसी लगी, और विंटरलैंड इवेंट बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, विंटरलैंड वाली अपडेट अभी आने वाली है OB31 की। साथ साथ आप लोगों को FF टोकन के अंदर नए बंडल देखने को मिलेंगे, और गिल्ड वार आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्लैन वार करके एक इवेंट जिसके अंदर आप लोगों को फ्री में फ्लैग वाला इमोट मिलेगा। सो वो भी काफी बड़ा इवेंट रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आज की अपडेट कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना।